शादी के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाना जो आपने कभी सोची भी नहीं है। अचानक से दूल्हा शमशान घाट में जाकर वहाँ पर राख में लेट जाता है। घर पे दुल्हन का ऐसा मेकअप हो जाता है जिसे देखकर रिश्तेदार डर जाते हैं। घर के अंदर तांत्रिक का आना, शादी में ऐसी अनहोनियाँ होना जो आपने अपनी शादी से पहले सोची भी नहीं है। अगर ऐसा होने लग जाए तो शादी एक श्राप बनकर रह जाती है। शादी के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ और इससे भी बुरा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। शादी के अंदर ही किसी ने फांसी लगा ली हो और वो इतना शक्तिशाली हो कि आपकी शादी में एक बड़ी अड़चन बन के आपके सामने खड़ा हो जाए, क्या हो उस शादी का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं और जो आप सभी लोग डिमांड करते हैं पौराणिक कथाओं में से एक, वो मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही रोचक कथाएं, ऐसी ही सच्ची घटनाएं मैं आपको सुनाता रहूँगा। अगर आप ऐसी कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं इस शादी के अंदर क्या हुआ। आकांक्षा और अनबै दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं है, लेकिन घर वालों ने एक दूसरे का रिश्ता करा दिया। दोनों घर वाले एक दूसरे से अच्छे से जानते थे, जिसके बाद आकांक्षा के पिता और अनबै के पिता अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। अनबै के पिताजी ने, जिनका नाम विजय था, उन्होंने इस शादी को करने के लिए कहा कि हमारा थोड़ी ही दूर एक फार्म हाउस है जहाँ पर हम कभी कभार वीकेंड्स में जाते हैं, वहाँ पर इन दोनों की शादी होगी, क्योंकि वहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है, वहाँ पर इनकी शादी करना ठीक रहेगा। दोनों परिवार वहाँ पर शादी से करीब एक हफ्ते पहले ही चले जाते हैं। विजय और उनके चाचा विक्रम दोनों ही खूब अरेंजमेंटों में लग जाते हैं, अपने बेटे की शादी और अच्छी कैसे बनाई जाए और बेहतरीन कैसे बनाई जाए, क्योंकि विजय चाहते थे कि पूरे परिवार में जैसी शादी उनके बेटे की हुई है ऐसी शादी लगे कि किसी की भी नहीं हुई। होता है ना कि हाँ भाई शादी में गए थे तो उसकी शादी में गए थे, भाई क्या शादी थी, मज़ा ही आ गया। ऐसी शादी विजय अपने बेटे की करना चाहते थे। शादी से पहले मेहंदी रात, हल्दी की रस्म, सारी रस्म हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन इन्हीं के बीच कहीं ना कहीं घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी भी लोगों को महसूस हो रही थी। लेकिन लोग सोच रहे थे कि शादी का माहौल है, रात को सोना, सुबह जल्दी उठ जाना, ये सब ठीक से नहीं हो पाता, थकान हो जाती है, सभी को लगा कि महसूस हो रहा है ऐसा कुछ है नहीं। टाइम आ गया शादी से पहले सगाई का। सगाई करने के लिए दोनों ही तैयार होने के लिए अपने अपने रूम में बैठे थे। इतने में ही आकांक्षा के पास एक मेकअप करने के लिए लेडीज आती है जो हाइट में काफ़ी छोटी थी। आकांक्षा के पास आती है तो आकांक्षा शीशे के सामने बैठी थी मेकअप कराने के लिए, तो आकांक्षा को पीछे दिखाई देती है, वो औरत चलती हुई आ रही थी। वो औरत काफ़ी छोटी थी, छोटी का मतलब ये नहीं कि वैसे छोटी थी, काफ़ी छोटी का मतलब है करीब 4 फुट की या 4'2", बस इतनी ही थी। काफ़ी छोटी हाइट की औरत आकांक्षा के पास आती है, आकांक्षा से कहती है कि बैठो मेकअप कर देती हूँ। आकांक्षा कहती है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानती, मैंने तो दूसरी मेकअप आर्टिस्ट को
बुलाया था जो जिसे मैं हमेशा कराती हूँ अपना, कोई नहीं बैठो मैं करूँगी मेकअप तुम्हारा। अब लेट भी हो रहे थे क्योंकि नीचे से बार बार आवाजें आ रही थी, आकांक्षा जल्दी तैयार हो जाओ, आकांक्षा जल्दी तैयार हो जाओ। आकांक्षा ने कहा कि चलो ठीक है जल्दी से कर दो। एक बुरुस और एक हाथ में सिर्फ और सिर्फ डिबिया लेकर, जिसके अंदर फाउंडेशन वगैरह कुछ होता होगा, वो लेकर आकांक्षा के पास थी। आकांक्षा उनसे पूछती है कि इस एक डिबिया से मेरा मेकअप करोगी, एक ही तुम्हारे पास बॉक्स है, इसके अंदर क्या होगा? मेरा दुल्हन का मेकअप करना है, जिसके लिए पूरी किट चाहिए मेकअप की, जो भी होती है आंखों पे लगाने की, आईब्रोज, लिप्स, ये वो जो भी होता है, पूरी किट चाहिए मुझे। वो कहती है तुम चिंता मत करो, तुम बैठो। आकांक्षा बैठ जाती है और वो एक ब्रश से आकांक्षा का मेकअप करना शुरू कर देती है। आकांक्षा का जब मेकअप होता है तो वो कहती है कि तुम शीशा मत देखो, सीधा नीचे जाओ और अपने दूल्हे से पूछो कि मेकअप कैसा हुआ है। काफ़ी अच्छा हुआ है। आकांक्षा एक्साइटेड हो जाती है कि जब कह रही है कि शीशा मत देखो सीधा दूल्हे के पास जाओ, तो आकांक्षा अनभय के पास जाती है और कहती है कि देखो मेरा मेकअप कैसा हुआ है। लेकिन उससे पहले आकांक्षा अपने रूम से, आकांक्षा का रूम ऊपर की तरफ था, जब जीने से उतरती हुई जा रही थी, सभी मेहमान आकांक्षा को देखकर अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। कोई डर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई आकांक्षा को कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आकांक्षा जल्दी में अनभय के पास जाती है और अनभय को कहती है कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ। अनभय आकांक्षा को देख के डर जाता है, जोर से चिल्लाता है आ। तभी मेहमान अनभय के कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ क्या हुआ, ये देखो ना आकांक्षा ने कैसा मेकअप किया है, किसने किया है ये मेकअप, तुमने खुद ही कर लिया क्या? क्या मेकअप? नहीं, वो मेकअप आर्टिस्ट आई थी एक, छोटी सी हाइट की थी, उसने किया है। क्यों, अच्छा नहीं है? देखो जरा शीशे में देखो, तुम देखो कैसा मेकअप किया है। आकांक्षा जब देखती है तो पाती है कि उसके एक हिस्से पर फेस के ऐसा मेकअप किया था कि मानो किसी ने आकांक्षा का मास्क खोद रखा हो। आकांक्षा इस चीज को देखकर डर जाती है और जल्दी से अपना मुंह पोंछने लगती है। आकांक्षा मुंह पोंछ कर कहती है कि कहाँ है वो मेकअप आर्टिस्ट, मुझे दिखाओ जल्दी से, मैं बताती हूँ उसे, ये वो वगैरह वगैरह। पूरे घर में ढूंढ लिया जाता है उस मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब आकांक्षा के पास वो रियल मेकअप आर्टिस्ट आती है, जो रियल में आकांक्षा की मेकअप आर्टिस्ट, वो आकांक्षा का मेकअप करती है और आकांक्षा को शीशा देखने के लिए कहती है। आकांक्षा काफ़ी सुंदर लग रही थी क्योंकि आकांक्षा की हाइट और फेस कट काफ़ी अच्छा था। आकांक्षा सुंदर थी, जो मुझे बताया उसके हिसाब से आकांक्षा सुंदर थी काफ़ी। आकांक्षा का मेकअप करने के बाद वो आर्टिस्ट कहती है कि मैं नीचे जाके कुछ खा लेती हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं, पहले भी किसी का मेकअप करके आई थी, उसके बाद सीधा तुम्हारे पास, मैं नीचे जाके कुछ खा लेती हूँ। आकांक्षा उसे कहती है कि ठीक है जाओ खा लो। वो रूम से जाती है, आकांक्षा शीशे के सामने बैठी हुई मेकअप सुखा रही होती है एसी की हवा में पंखा चलाकर। इतनी ही देर में दरवाजे से वही छोटी हाइट वाली औरत दोबारा आती है। आकांक्षा शीशे में उसे देखकर कहती है कि रुको रुको रुको, तुमने ये कैसा मेकअप किया था मेरा, ये लोग ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, ये वो। आकांक्षा उसे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है। वो आकांक्षा से कहती है कि मैंने गलती से कर दिया था, कोई बात नहीं, मुझे टचअप देने के लिए मुझे भेजा गया है और मैं तुम्हें टचअप दूंगी। नहीं, अब मुझे तुमसे कोई मेकअप नहीं कराना, रहने दो तुम, ये मैं नहीं कराऊंगी तुमसे कुछ भी, मुझे तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट ने ही भेजा है और मैं तुम्हें टचअप दे दूंगी।
तुम चाहो तो पूजा को कॉल करके उससे पूछ सकती हो, मुझे उसी ने भेजा है। चलो कॉल करने की कोई बात नहीं, क्या टचअप में क्या रह गया? उन्होंने कहा कि मेकअप फाइनल हो गया है। नहीं बस ये थोड़ा सा है, ये फाइनल हो जाएगा इससे। चलो ठीक है, करो आओ बैठो। आकांक्षा आंखें बंद करती है और मेकअप कराना शुरू करती है। आकांक्षा को कहती है आंखें बंद ही रखो, मेकअप फाइनल होता है। और आकांक्षा को वो आंखें खोलने के लिए नहीं बोलती, आकांक्षा जब खुद आंखें खोलती है तो उसे दोबारा से अपने फेस पे वही मेकअप मिलता है। आकांक्षा जब चारों तरफ देखती है तो वो छोटी हाइट वाली औरत भी कहीं नहीं थी। ये बात देखकर आकांक्षा डर जाती। आकांक्षा दोबारा से नीचे जाती है और अनभय के पिता से कहती है कि पापा देखो मेरा कैसा मेकअप हुआ है, मेकअप आर्टिस्ट ने ये दोबारा से वही छोटी हाइट की लड़की आई थी और देखो मेरा कैसा मेकअप करके चली गई। अनभय के पिता विजय उनका भाई आता है और कहता है कि क्या हुआ बेटा, क्या बात है? ये देखिए ना अंकल, मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा ऐसा मेकअप कर दिया है, उसने पहले भी मेरा ऐसा मेकअप किया था, ये वो पता नहीं कौन है, कहाँ से आती है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, रुक जाओ मैं देखता हूँ। वो कुछ आंखें बंद करते हैं, मन में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि वो कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी, वो एक साया था। अब ये बात विक्रम जी को कैसे पता? वो भी एक छोटे मोटे तंत्र विद्या के जानकार, उन्हें भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। वो कमरे में जाते हैं और कुछ पढ़ते हैं, अपने मन में कुछ बोलते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे पास ऐसा कोई साया नहीं आएगा। आकांक्षा अब कहती है कि चलो ठीक है, ऐसा है तो अच्छी बात है। दोबारा से आकांक्षा मेकअप कराती है और जो भी रस्म थी, जो भी उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी, सगाई होने वाली थी, वो फाइनल कर लेती है। अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो सभी मेहमान वहाँ मौजूद थे, लेकिन विजय को उनके भाई विक्रम कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। विक्रम को देखने के लिए जब विजय विक्रम के कमरे में जाते हैं तो विक्रम ने फांसी लगा रखी थी। विक्रम फांसी पे लटके हुए थे। यह बात देखकर विजय चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। सभी वहाँ आते हैं और उन्हें उतारा जाता है। जो भी हिंदू समाज में रस्म होती है उस तरीके से उन्हें शमशान घाट ले जाया जाता है और उनका क्रियाकर्म किया जाता है। उनके हाथ में एक अंगूठी थी सोने की, जिसमें एक नग जड़ा हुआ था। वो उतार कर अनभय को दे देते हैं और अनभय उस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लेता है। अनभय और सभी घर वाले घर जाते हैं। उनकी शादी 2-4 दिन के लिए आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन सभी गेस्टों को कहा जाता है कि वो उस फार्म हाउस पे ही रुके। 2 दिन जल्दी ही बीत जाते हैं और शादी का दिन आ जाता है। अब जो शादी में जो खुशी थी ना, वो हल्की सी कम हो चुकी थी। शादी की जो शादी रस्म थी वो करी जाती है और तैयार हो जा तो होने के लिए अपने दोनों कमरे में बैठे होते हैं। दोनों अनभय और आकांक्षा अपने अपने रूम में इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा मेकअप फाइनल होगा और हम नीचे जाएंगे, कब बुलाने आएंगे और शादी फाइनल होगी। अनभय को जब बुलाया जाता है तो अपने कमरे में अनभय नहीं था। अब अनभय को ढूंढा जाता है पूरे घर में, अनभय पूरे घर में भी नहीं था। फोन किया जाता है, फोन भी नहीं उठाता। और जब अनभय को ढूंढा जाता है इधर उधर तो कहते हैं कि एक बार चलो शमशान घाट में भी जाकर देख लेते हैं, क्या पता अपने चाचा की याद में गया हो मिलने के लिए। जब विजय और उनके साथ में कुछ लोग शमशान घाट में जाते हैं तो वहां देखते हैं अनभय जहां पर उनके चाचा को जलाया गया था वहां पर लेटा हुआ है और राख को अपने पूरे शरीर पर लपेट रहा। ये बात देखकर विजय घबरा जाते हैं।
अनवय को तो घर ले आया जाता है, लेकिन घर लाते समय विजय एक जानकार तांत्रिक को फोन करते हैं और ये सारी बातें बताते हैं। तांत्रिक उस फार्म हाउस पर आते हैं और कुछ अपने मंत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सब नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उन्हें साथ ही साथ ये महसूस भी हो रहा था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। उनके मंत्रों से ये पता नहीं चल रहा था कि वो क्या है। वो कहते हैं कि मुझे शक है कि कुछ है, इसलिए मैं अपने गुरुजी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। विजय कहते हैं कि ठीक है, हमें तो अपने घर का पाबंद करना है, जो भी है हमें निकालना है, तो जल्दी करो बुलाओ। तांत्रिक अपने गुरु को बुलाते हैं। उनका गुरु वहाँ आते ही यह महसूस कर लेते हैं कि घर के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो ये सब करवा रही है और कर रही है। अंदर आकर उनसे अनवय के पापा से पूछते हैं विजय से कि आपके घर में क्या कोई तांत्रिक है। विजय कहते हैं हाँ, मेरे छोटे भाई थोड़ी बहुत तंत्र विद्या जानते थे, लेकिन हाल ही में उनका देहांत हो गया, ये कहते हुए रोने लगते हैं। तांत्रिक कहते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वही कर रहा है, क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं, मैं नहीं जानता, ऐसा क्यों करेगा मेरा छोटा भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, ये सच नहीं है, यकीन नहीं होता। आंख बंद करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं। अनवय की वाइफ से पूछा जाता है, होने वाली वाइफ से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कोई छोटी हाइट की लड़की आई थी? कहती है हाँ, मेरा मेकअप करके गई थी, वो बहुत बुरा, वो एक छलावा था जो तुम्हारे चाचा ने ही तुम पर छोड़ा था ये शादी रुकवाने के लिए। विजय जी कहते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये सब ठीक करो। तांत्रिक वहाँ एक तंत्र पूजा कराने के लिए कहते हैं। वहाँ पर विजय जी उनका सारा अरेंजमेंट करते हैं और वहाँ तंत्र विद्या की जाती है, जिसके बाद घर में सब नॉर्मल हो जाता है। आकांक्षा और अनवय की शादी उससे 3 या 4 महीने बाद की जाती है। ये कहानी मुझे आकांक्षा ने सुनाई थी और आकांक्षा साफ तौर से ये बात कह रही थी कि हमारे घर में आज भी कभी कभार महसूस होता है कि चाचा यहीं है। कैसी लगी कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि आपके कमेंटों से हमें एक मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की, अपनी वीडियोस को और अच्छा करने की। और आपके पास कोई कहानी है तो हमें ज़रूर भेजिएगा। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगता है कहानी बनाने में, आप तक पहुंचाने में, लेकिन आपकी कहानी ज़रूर हम अपने इस चैनल पर पहुँचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगली कहानी में।